हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रूपाली के किचन में। और आज मैं आई हूँ पालक चिकन की रेसिपी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये नई रेसिपी। यहाँ पर मैंने फ्रेश स्पिनच यानी कि पालक लिया है, और यहाँ पर मैंने चॉप्ड ऑनियन बड़े साइज के लिए है, ये एक टोमेटो है, और यहाँ पर 1 kg के अराउंड चिकन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन। और अभी मैंने यहाँ पर पैन को गर्म होने के लिए रखा है। अभी मैं यहाँ पर तेल डाल रही हूँ, 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल मैं डाल रही हूँ। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसमें खड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे जीरा, तेजपत्ता, लाल मिर्च और थोड़ी सी मेथी डाल रही हूँ। और इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे, और उसके बाद से हमारे चॉप्ड ऑनियन को इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा सा पकाएंगे। और यहाँ ऑनियन गलाने के लिए मैं 2 स्पून सॉल्ट ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं 2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च यानी कि रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, और ये मैं 2 टीस्पून कोरिएंडर एंड क्यूमिन पाउडर डाल रही हूँ। 2 टीस्पून यहाँ पर मैं चिकन का मसाला डाल रही हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टीस्पून यहाँ पर मैं गरम मसाले डाल रही हूँ। अब मसालों को अच्छी तरह से चलाकर इसे हम मिक्स कर लेंगे, और फिर इसे अच्छे तरीके से पकने देंगे। और अभी मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसे अच्छे तरीके से चलाकर मसालों में मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अभी यहाँ पर गार्लिक के 3 क्लोव्स मैं डाल रही हूँ यहाँ पर टेस्ट के लिए, और इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब मसालों में हम अपने चिकन को डालेंगे, और चिकन को डालने के बाद से इसे अच्छे तरीके से मसालों में मिला लेंगे। अब यहाँ पे मेरे जो चॉप्ड टोमेटो है उसे मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद हम अपने चॉप्ड स्पिनच को डालेंगे। स्पिनच को मसाले और चिकन में अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और इसे भुने देंगे, और इसे तब तक भुनेंगे जब तक ये थोड़ा सा गल ना जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑनियन और स्पिनच पकने के बाद पानी छोड़ता है, तो अभी हम इसे ढक देंगे ढक्कन से यानी कि लीड से ढक देंगे, और इसे हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे। और 5 मिनट के बाद हम जब ढक्कन खोलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा स्पिनच और ऑनियन पानी छोड़ना स्टार्ट कर चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ढक्कन यानी कि लीड हटाने के बाद से मैंने इसमें काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर डाला है, और ब्लैक पेपर डालने के बाद से ये यहाँ पर मैं मसालों को अच्छी तरीके से भून रही हूँ। अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि हमारा ऑनियन गल ना जाए। तो अब मैं इसे लीड से ढक दे रही हूँ। 10 मिनट होने के बाद अब हम अपने लीड को हटाएंगे, और ये आप देख सकते हैं कि मसालों ने अच्छे तरीके से पानी छोड़ दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन में भी कलर आ चुका है, और हमारा जो स्पिनच है वो भी अच्छे तरीके से पक चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेवी भी अपने आप बन गई है ऑनियन और स्पिनच के गलने की वजह से। और अब मैं क्या करूँगी कि ग्रीन स्पिनच लूँगी और इसे मैं ग्राइंड करके चिकन में डालूँगी। और यहाँ पर मैंने ग्रीन स्पिनच थोड़ा सा लिया था और उसको मैंने थोड़ा ग्राइंड किया है, और ग्राइंड करने के बाद अब हम अपने पके हुए ग्रेवी में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब मैं क्या करूँगी, मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं घी डाल रही हूँ, और घी डालने के बाद से हम इसे अच्छे तरीके से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से हमारे चिकन का टेस्ट बहुत ही यमी हो जाता है। और इसे मैं 5 मिनट पकने के लिए लीड से ढक दूँगी मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर मेरे 5 मिनट हो गए, और मैं अब लीड का ढक्कन हटा रही हूँ, और आप ये देखिए चिकन पूरा पेपर से भरा हुआ है, लेकिन अभी मैं इसे चला दे रही हूँ अच्छे से। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे चिकन में कितना अच्छा कलर आ गया है, और स्पिनच पूरी तरीके से ग्रेवी में मिक्स हो गई है, और मिक्स करने के बाद से हमारे चिकन का कलर भी
ग्रीन कलर यानी स्पिनच की वजह से हो गया है। और अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये चिकन हमारा पक चुका है। तो अब हमारा चिकन बन चुका है, तो मैं अब क्या कर रही हूँ कि गैस बंद कर देती हूँ। और तो चलिए अब हम चलते हैं अपने चिकन की सर्विंग की ओर। और अभी हम अपने चिकन की सर्विंग करेंगे, तो मैं यहाँ पर लीड हटा रही हूँ और आप ये देख सकते हैं कि चिकन हमारा कितना यमी दिख रहा है। और अभी हम सर्विंग करते हैं। और अब ये रहा हमारा पालक चिकन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखने में कितना डिलीशियस दिख रहा है। और ये पालक चिकन बहुत ही हेल्दी भी होता है, आप इसे रोटी, राइस, पूरी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये पालक चिकन की रेसिपी यानी कि स्पिनच चिकन की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे से कमेंट दें और चैनल तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।